गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द ट्रिंकर क्लब. दिस इज सेवेंथ एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच लिस्ट फॉर टुमारो. इन दिस सीरीज वी ट्राई टू एक्सप्लेन, वी ट्राई टू एजुकेट आर यूजर्स, आर कम्युनिटी पीपल, दैट हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स बिहाइंड द स्टॉक्स. यहाँ पर हम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या हम इसके पीछे का ब्रेकआउट का रीजन देखते हैं, और कैसे हम इसको लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए कल के इंट्राडे के सेशन के लिए प्लान करते हैं. सो अगर आपको ये सीरीज ऑलरेडी पसंद आने लगी हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू नॉट मिस ऑन फर्दर वीडियोस. और अगर आपका लाइक आता है तो हमें चीयर अप करता रहेगा, हम ऐसे ही और नए नए कंटेंट ढूंढेंगे आपके लिए, यहाँ पर पब्लिश कर देंगे. सो एक बार हम कल के जो हमारे तीन स्टॉक्स थे, औरोबिंदो फार्मा, कोटक बैंक और PFC, जो हमने आज के सेशन के लिए चूज़ किए थे, उनका एक बार रिजल्ट कैसा आया या फिर हमारा जो एनालिसिस था वो कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, एक बार वो देख लेते हैं. सो पहला हमारा स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा. औरोबिंदो फार्मा में हमने देखा था, हमने सोचा था कि अगर 651 फ्लैट ओपन होते ही 651 के ऊपर अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है तो वी कैन गो लॉन्ग इन दिस. यहाँ पर एक हमने ऊपर की साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, हमने इसमें स्टॉप लॉस सोचा था कि इंट्राडे के लिए 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो 10-15 ऐसा रहेगा. बट अगर कुछ नहीं होता है तो हमें मिनिमम 1:1 का तो कल के लिए, आज के लिए एक्सपेक्टेशन था ही. सो आज हम अगर इसका हाई देखते हैं तो इसका हाई कुछ 662 के आसपास का है. हमें 12.45 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था. बट अगर हमारा 1:3 अचीव नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारा एटलीस्ट 1:2 अचीव हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसिडरिंग कि आज दोनों इंडेक्स में हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था. बट जो हमने स्टॉक्स चूज़ किए थे वो तीनों के तीनों स्टॉक्स वर चूजन फॉर लॉन्ग ट्रेड्स. सो हमने कल बुलिश मोमेंटम, आज के लिए बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, बट इवन दो द मार्केट फेल, ये सारे स्टॉक्स आज ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिए हैं. सो हमने कोटक बैंक में भी देखा था. सो वी यूजली गिव द स्टॉक जिसमें अगर कल के लिए बस फ्लैट ओपनिंग होती है वही वैलिड ट्रेड हो जाता है. अगर गैप अप या गैप डाउन हमें देखने मिलता है तो चेंज ऑफ सेंटिमेंट के तौर पे हम यहाँ पर वो स्टॉक्स को इग्नोर कर सकते हैं और वो ट्रेड हम इनवैलिड करा देते हैं. तो हमने आज कोटक बैंक में गैप अप ओपनिंग आते हुए देखा था, उसके बाद 2% नीचे गया, उसके बाद 5% ऊपर गया. सो ये वोलाटाइल स्टॉक था आज के लिए. इसका रीज़न हमने हमारे दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें MSCI का रीबैलेंसिंग हुआ था और इनका वेटेज बढ़ा दिया गया है. सो ये स्टॉक हमारे लिए आज के लिए इनवैलिड था. नेक्स्ट स्टॉक वॉज अपना PFC. PFC में हमने सोचा था कि जैसे ही अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम इसमें अबव 180-181 यहाँ पर हम 1 रुपीज़ का स्टॉप, 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देंगे. अगर 1 रुपीज़ का है तो हम इसमें 1:2, 1:1 तक का प्लान करेंगे. अगर हमने नीचे की तरफ ओपन हो 2 रुपये का हम स्टॉप लॉस देते तो इसमें हम एक हल्का सा 1:1 तक का हम प्लान कर सकते हैं. सो हमारा 2 रुपीज़ का जो इसमें टारगेट था वो डेफिनेटली अचीव हुआ है. सो ये स्टॉक आज ऊपर की तरफ 183.2 तक गया था. सो आज हमारे जो तीन स्टॉक थे उसमें से 2 स्टॉक का टारगेट हिट हुआ, 1 स्टॉक का ट्रेड था ही नहीं. सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर अस. लेट्स सी कल के लिए कौन से स्टॉक्स है, कल क्या हम प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली जो प्राइस एक्शन है, मुझे सारा कुछ बैंक के स्टॉक्स में ही दिख रहा था. सो हमने 5 में से 4 स्टॉक बस बैंकिंग के उठाए हैं, HDFC, SBIN, बैंक बड़ौदा एंड कैन बैंक. सो कैनरा बैंक है बेसिकली. तो इन 4 स्टॉक्स में हम देखते हैं कि कल कैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम. आई वुड से कि इतने सारे वॉच लिस्ट हम नहीं ही रखेंगे. इसमें मैंने कैनरा बैंक को एक थोड़ा सा अलग रीज़न के लिए रखा हुआ है, बट लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना चाहिए कल. सो HDFC बैंक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा नेगेटिव साइड का एक प्राइस एक्शन बना रहा है. अगर हम इसका आज वॉल्यूम भी देखते हैं तो ये वॉल्यूम काफ़ी एबनॉर्मल है स्टॉक के लिए. अगर हम देखते हैं तो इतना सारा वॉल्यूम इससे पहले आया नहीं था, राइट. सो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम अगर मतलब जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ तक तो इतना वॉल्यूम इसका आते हुए हमने देखा नहीं है. बट हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है. अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक ये यहाँ पर एक हल्का सा बाइंग आया था स्टॉक में, एक नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ था, फिर उधर ही 2 दिन ट्रेड किया, आज वहीं से नीचे की तरफ आ रहा है. बट जब ये ऊपर गया था तो इसने ऊपर की तरफ जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वो सपोर्ट एग्जैक्टली प्रीवियस सपोर्ट, सॉरी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस, माय बैड, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लिया था
वो प्रीवियस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था और एग्जैक्टली वहीं से नीचे आना, इट मीन्स या तो यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर यहाँ से काफ़ी मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है। सो इस प्राइस एक्शन के लिए हम देखते हैं कि कल अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होते, अगर 2637 को नीचे की तरफ से ब्रीच कर देता है, नीचे की साइड पे ब्रीच कर देता है, तो हम इसमें एक 10 to 15 rupees का स्टॉप लॉस डाल के हम 1:1, 1:2 तक का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें बाइंग, अगर कल का ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है, सो 2633 का जो लेवल है, ये भी लेवल नीचे की तरफ जब ब्रीच हो जाता है, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लेवल पे हमने मिनिमम ये लेवल आते हुए दिखेगा 2614 का। अगर इसके नीचे भी जाता है तो हमें शायद 2596 का भी लेवल यहाँ पर दिख सकता है। बट जैसे कि हमारा इंट्राडे प्लान है, विल नॉट बी ग्रीडी, हम यहाँ पर बस अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम खेलेंगे। हमने अगर अगर रिस्क अपना 5-10 रुपये का रखा है तो 5-10 रुपये या फिर 20 रुपये का टारगेट रहेगा। बट अगर हमारा रिस्क 10 से 15 रुपये का है तो यहाँ से हम 10 से 15 रुपये या फिर 20 से 30 रुपये तक का ही एक्सपेक्टेशन हम मान के आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट स्टॉक ऑन द लिस्ट इज SBIN। SBIN में यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिल्ड होते हुए दिख रही है। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, आज इसका जो थर्ड टचडाउन हुआ था और थर्ड टाइम पे भी यहाँ से एक हल्का सा हमने नीचे की तरफ से बाइंग आते हुए देखा है। बट अगर कल इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ से काटता है तो यहाँ पर एक हमें स्टॉप लॉस हंटिंग का सिनारियो देखने मिलेगा, क्योंकि इससे पहले इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक बार सेलिंग आया है, सेकेंड टाइम अगेन इसके ऊपर जब स्टॉक ट्रेड करने गया था तो वापस सेलिंग आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं तो 590 to 595 के आसपास यहाँ पर इस स्टॉक में सप्लाई जोन काफ़ी तेज़ है। सो इसको हम शॉर्ट करेंगे कल 577 के नीचे या फिर 577.5 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 4 rupees, और यहाँ पर हम 1:1, 1:2 तक का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज अपना डिविस लैब। सो डिविस लैब में एक हमने कुछ दिन पहले लॉन्ग सिनारियो प्लान किया था, उस लॉन्ग सिनारियो में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने मिला था। बट जब हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये लॉन्ग सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं, फॉर सम रीज़न यहाँ पर हमें एक सेलिंग आते हुए दिख रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो सेलिंग है, वो सेलिंग यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई के एरिया से आए, ऑल टाइम हाई सॉरी ये सेलिंग हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास से नहीं आया हुआ है, 3523 एक पुराने रेजिस्टेंस से आया हुआ है। और यहाँ पर जो लेवल ऑफ सस्टेनिंग था, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट एग्जैक्टली 2 3436 का था। अगर 3436 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर दे तो काफ़ी पेनफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये लॉन्ग है, ये जो 5 दिन के यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए, यहाँ पर हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। हम अगर देख रहे हैं तो आज के लिए इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई था। अभी क्योंकि वॉल्यूम का कैंडल ग्रीन है, इट डज़ नॉट मीन कि ये कैंडल में बाइंग आया है। सो इसमें बुल ऑन बेयर का काफ़ी ज़्यादा फाइट चला है। अब यहाँ पर शायद डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने मिल सकता है और एक्यूमुलेशन भी देखने मिल सकता है। बट एज यू नो दैट स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वॉट वी कैन प्लान फॉर टुमारो इज इफ़ द पर्टिकुलर स्टॉक ओपन्स फ्लैट एंड स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो 3426। सो इफ इट स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो 3426, आर स्टॉप लॉस वुड बी 15 to 20 points एंड वी वुड लुक फॉर अनादर 1:1, 1:2 टारगेट इन द सेम स्टॉक। सो ये अगेन ये थर्ड स्टॉक भी हमारे लिए शॉर्टिंग के साइड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बाइंग सस्टेन नहीं हो पा रही है, इसमें सेलर्स का एक्टिव होना काफ़ी अभी प्रोबेबल लग रहा है। सो इसका प्रोबेबिलिटी हमें हाई लग रहा है, तो इसमें हमने शॉर्टिंग का सिनारियो बना लिया। आर नेक्स्ट स्टॉक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम देखते हैं, सो बैंक ऑफ बड़ौदा में इसी लेवल के आसपास यहाँ पर एक हल्का सा हमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, यहाँ के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट वी कैन प्लान टुमारोज, अगर ये फ्लैट ओपन होता है और इस प्राइस को ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेता है, 185.5 को अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करता है, तो यहाँ पर हम वापस से 1 1.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसको 1:1, 1:2 के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। इसमें देखना कल इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कल बैंक निफ्टी किस तरफ ब्रीच होता है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो शायद ये ट्रेड हमारा फॉल सलाम की तरह ही बजेगा। बट अगेन द स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी,
हमने दो स्टॉक बैंकिंग के शॉर्टिंग के लिए देखे हैं, और हम जो अभी दो स्टॉक्स देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक, इसमें हम थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हैं, ताकि किसी में से तो हमारे घर पे पैसा आए, कहीं तो इसमें पैसा बने। यहाँ पे अगर हम कैनरा बैंक भी देखते हैं, तो कैनरा बैंक में वापस से हमें इधर ही एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। सो फ्रॉम द सो दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहा है ये, सो 310 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होकर 310.7, सो 311 का लेवल अगर ब्रीच कर लेता है ऊपर की तरफ, तो वापस हम इसमें 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसमें हम 2 से 3 रुपए का ऊपर की तरफ टारगेट भी रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक में हम बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, काफ़ी छोटे टिकट साइज़ के स्टॉक्स हैं ये, छोटे रिचार्जेस हैं, तो इसमें हम लेट्स सी कि ये कल कैसे परफॉर्म करते हैं। कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमारे 3 स्टॉक शॉर्ट साइड के लिए और 2 स्टॉक्स हमारे अप साइड के लिए हैं। अगर आपको इसमें भी आपका कोई सेटअप या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, वी वुड लव टू नो दैट। आप एक बार यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आइए, आपका कमेंट कीजिए, आपका जो भी क्वेरी होगा या फिर आपका जो भी एनालिसिस होगा, प्लीज़ पोस्ट इट। अगर आपका एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगता है, तो शायद हम इसको कल कल के एक वीडियो में इसको कास्ट भी करने का हम प्रयास करेंगे। सो अगेन, इसमें हर एक ट्रेड हम तभी प्लान करेंगे अगर मार्केट में ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है, तो चाहे शॉर्टिंग हो चाहे लॉन्ग हो, हम तभी प्लान करेंगे। अगर आपको ये सारा एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखना है, तो आप इस वीडियो पे अगर 50+ लाइक आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में आपको ये सिखा दूँ कि ये स्टॉक मैं कैसे पिक करता हूँ, या फिर इस स्टॉक कैसे हम एनालाइज करते हैं, और इसके ऊपर हम कैसे प्लानिंग करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, विश यू अ गुड नाइट, बाय बाय।